आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कौशिक सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना का इजलास, कोरोना को फैलाव से रोकने के इकदामात पर तबादले ख्याल। मुसलसल तीसरे दिन भी कोरोना के 4 लाख से कम केसेस दर्ज, नए केसेस के मुकाबले रूबे सहित होने वालों की शरह में इजाफा। इंग्लैंड में कोविड की अमवात 0 तक पहुंच गई, वैक्सीनेशन के बायस अमवात में कमी माहिरीन का दावा। और आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल नर्सेस डे, कोविड के पेश नज़र जान जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों को चीफ मिनिस्टर की सताइश। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी जरूरी है। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहने, सामाजिक फासले का लिहाज रखें, इंफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोए। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लगाए। तेलंगाना भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सुबह 10 बजे के बाद हैदराबाद समेत रियासत भर में कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। सड़कें, मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन सुनसान नजर आ रहे थे। आवाम ने सुबह 10 बजे से कबली अशिया जरूरिया खरीद ली। दूसरी जानिब आला अहदेदारों की हिदायत पर मुलाजमीन पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मेन रोड्स पर ब्रिगेड्स लगाते हुए तनखीह की जा रही है। गैर जरूरी सड़कों पर आने वाले अफराद को घर भिजवा दिया जा रहा है, जबकि सिर्फ अशिया जरूरिया की खिदमात के लिए इजाजत दी जा रही है। रियासत की सरहदों के पास चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इस महीने की 21 तारीख तक लॉकडाउन नाफिज अमल रहेगा। हर दिन सुबह 6 से 10 बजे दिन ही बाजार खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी खिदमात और टीका लेने के लिए जाने वालों को छूट रहेगी। रियासत की सरहदें पर लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की जा रही है। सुबह 10 बजे के बाद घर से बाहर आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का पुलिस की जानिब से इंतबाह दिया जा रहा है। जिले पिद्दापल्ली गोदावरी खनी सर्कल इंस्पेक्टर रमेश ने दूरदर्शन को बताया कि कोरोना के फैलाव से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज काबीना का इजलास मुनक़िद होने वाला है। इस इजलास में कोरोना पर काबू पाने के इकदाम के अलावा लॉकडाउन पर भी अहम फैसले लिए जाने के इम्कान है। इस इजलास में मरकजी उजरा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारान शिरकत करेंगे। यह इजलास वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होगा। इजलास में मुख्तलिफ रियासतों में वायरस की सूरत हाल का वज़ीर आज़म जायजा लेंगे। इसी दौरान अस्पताल में बिस्तरों, टीकों और दीगर अद्वियात की दस्तियाबी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए इस इजलास में अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि कई रियासतों में अभी तक लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 8 रियासतों की वज़ारत सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जो वैक्सीनेशन के अमल में पीछे है। इस इजलास में तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के उजरा ने शिरकत की। मरकजी वज़ारत सेहत ने टीके की तकसीम के अमल में तेजी से मुतालिक बाज मशवरे दिए। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में बदतदरीज कमी हो रही है। मुसलसल तीसरे दिन भी यूमिया केसेस 4 लाख से कम दर्ज हुए। मंगल की सुबह 7 बजे से चारशंबे की सुबह 8 बजे तक अफराद के कोरोना के मुआयने किए गए, जिनमें 3,48,421 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। इस वक्त मजमी तौर पर इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,33,00,000 तक पहुंच गई। इसी दौरान 3,55,338 अफराद कोरोना से रूबे सहित हुए हैं। अब तक इस वायरस से मुतासिर होने वाले 1,93,00,000 अफराद रूबे सहित हो चुके हैं। शिफायाब होने वालों की शरह 83.04% है। मुसलसल दूसरे दिन भी फाल केसेस में कमी आई। इसी दौरान मंगल के दिन 24.46 लाख अफराद में वैक्सीनेशन दी गई। अभी तक 17.52 करोड़ अफराद को टीके दिए जा चुके हैं। कोरोना बुहरान के दौरान दुनिया भर में डॉक्टर्स के साथ नर्सों की जानिब से अंजाम दी जाने वाली खिदमात काबिले सताइश है। हर साल 12 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सालगिरह के मौके पर यह दिन मनाया जाता है। उन्होंने तिब्बी शोबे में न सिर्फ नुमाया खिदमात अंजाम दी बल्कि इसे एजाज बख्शा।
इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ और बहसीत नर्स खिदमत अंजाम दिया करती थी। 1854 और 1856 के दरमियान हुई जंग में जख्मी फौजियों के लिए जो खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश है। इनसे मुतासिर होकर कई लड़कियों ने नर्सिंग के पेशे का इंतखाब किया। इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर जारी है, कई अफराद अपनी जानों से महरूम हो रहे हैं, जबकि कई अस्पताल में जेरी इलाज है। किसी शख्स के कोरोना से मुतासिर होने के बाद कोई भी इसके करीब जाने से गुरेज करता है, लेकिन ऐसे वक्त भी नर्सेस कोविड के मरीजों की खिदमत अंजाम दे रही है, ये जानते हुए भी कि इनकी जान को खतरा लाहक है। वो मरीजों में ये यकीन पैदा कर रही है कि वो इनके साथ है। नर्सिंग के शोबे में मुल्की सतह पर खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों को हर साल राष्ट्रपति नेशनल फ्लोरेसेंट नाइट एंगल अवार्ड दिया जाता है। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू इंटरनेशनल नर्सेज डे के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अवाम के लिए बेलूस खिदमत अंजाम देने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि इस बुहरान के वक्त अवामी खिदमत के लिए नर्सेज सबसे आगे हैं। उन्होंने तमाम से अपील की कि वह अवामी खिदमत करने वाले नर्सों की इन बेलूस खिदमत के अवज इनसे इजहार तशक्कुर करें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी इस मौके पर नर्सों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि आज की सूरत हाल में नर्सेस अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की खिदमत अंजाम दे रही, इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। जिले मंचीरियाल के लक्ष्मीपेट के सरकारी अस्पताल में इंटरनेशनल नर्स डे का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर सुजाता और कविता नामी नर्सों ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इंतहाई ख्वाहिश के साथ नर्सिंग के पेशे का इंतखाब किया। उन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान उन्होंने तातलात भी नहीं ली और वो अपनी जान जोखिम में डालकर मुतासरीन की खिदमत अंजाम दे रही है। नर्सों का पेशा काबिले एहतराम है, वो ऐसे वक्त मरीजों की खिदमत अंजाम दिया करती है जब इनके करीब कोई दूसरा नहीं होता। इंटरनेशनल नर्सेस डे के मौके पर आदिलाबाद में भी इसका एहतमाम किया गया। అందరికీ నమస్కారం అండి, నా పేరు విజయలక్ష్మి, పుత్లిబోలి యూపీఎస్ ఆర్బనైజర్స్ అంటారు. ఈ రోజు నర్స్ డే సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మేము ఇంత కోవిడ్ టైంలో కూడా సార్ మేము అంటే ప్రాణం తెగించి డ్యూటీలు వేస్తున్నాం సార్. సాధన ఆర్టిస్ లేకుండా ఏం లేకుండా ఫెస్టివల్ కూడా లేకుండా సార్ డ్యూటీలు వేస్తున్నాము. అందుకు ఈ సందర్భంగా సార్ అందరికీ నర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అందరికీ సార్. ఆయన ఇంటింటికి बर्तानिया में पहली मरतबा कोरोना से किसी भी तरह की अमवात नहीं हुई। गुज़श्त साल मार्च से तकाबुल किया जाए तो पीर के दिन पहली मरतबा इंग्लैंड स्कॉटलैंड शुमाली एयरलाइन में सिफर अमवात दर्ज हुई। माहरीन के मुताबिक सख्त लॉकडाउन पर अमल आवरी और वैक्सीनेशन के जरिए ही नए स्ट्रेन पर काबू पाया जा सका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया में मुनक़िद होने वाले G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। वाज़ह है कि यह इजलास आइंदा मुनक़िद होने वाला इस छोटी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुसूसी तौर पर मदु किया गया था, लेकिन उन्होंने मौजूदा हालात के पेश नज़र G7 समिट में शरीक न होने का फैसला किया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बताया कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने G7 सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदु किया था, लेकिन मुल्क में कोविड की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शख्सी तौर पर वहां नहीं जाएंगे। समझा जाता है कि वो वर्चुअल तरीके से इजलास में शिरकत कर सकते हैं। G7 की 47वीं सरबराह समिट का इनेकाद 12-13 जून को बरतानिया में होने वाला है, जिसकी सदारत इस वक्त बरतानिया कर रहा है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना का इजलास, कोरोना को फैलाव से रोकने के इकदामात पर तबादले ख्याल। मुसलसिल तीसरे दिन भी कोरोना के 4 लाख से कम केसेस दर्ज, नए केसेस के मुकाबले रूबे सहित होने वालों की शरह में इजाफा। इंग्लैंड में कोविड की अमवात सिफर तक पहुंच गई, वैक्सीनेशन के बायस अमवात में कमी माहिरीन का दावा। और आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल नर्सेस डे। कोविड के पेश नज़र जान जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों को चीफ मिनिस्टर की सताइश।